दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो, आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा पाओ, तो 6 ऐसी मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो आपको नहीं करना है। मैंने अपने स्टार्टिंग करियर में ब्लॉगिंग के मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और मैं चाहता हूँ उन गलतियों को आप एज अ बिगनर कभी ना करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी गलतियाँ हैं जिसको अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका ब्लॉग सक्सेसफुल नहीं होगा एंड आपका यहाँ पे अर्निंग जो है ना, जो आप अपने माइंड में बिठा रखे हो कि हम इतना डॉलर अर्न करेंगे हर महीने, तो वो बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी ये ब्लॉगिंग मिस्टेक्स हैं। तो देखो, यहाँ पे ब्लॉगिंग मिस्टेक्स के ऊपर मैंने 6 पॉइंट्स यहाँ पे माइंड मैप में क्रिएट किए हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले ये माइंड से निकाल दो कि ब्लॉगिंग में आते ही आप हज़ारों डॉलर हर महीने कमाओगे। ये माइंड से निकाल दोगे एंड अगर आप माइंड में ये रखोगे कि पहले हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अपना सेटअप वगैरह करेंगे एंड हम धीरे धीरे पेज व्यूज लाएंगे, यूजर्स लाएंगे अपनी साइट पे एंड एक दो डॉलर धीरे धीरे हम पर डे का कमाना शुरू करेंगे, तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो आप बिल्कुल ब्लॉगिंग में सफल हो पाओगे। एंड अगर आपका एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि हम पहले दिन से ही या दूसरे दिन या पहले महीने से ही $100 पर डे की अर्निंग करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्लॉगिंग में समय लगता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो 6 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहला मिस्टेक हमारा है वो है निश मिस्टेक्स। जी हाँ, सबसे पहले तो देखो, लोग ब्लॉगिंग करने जब लोग आते हैं तो सबसे पहले वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि भाई हमें काम किस फील्ड में करना है एंड यही सबसे बड़ा मिस्टेक्स है जिससे उनका ब्लॉग फेल हो जाता है। अगर आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, दूसरे का देख रहे हो कि हाँ ये शुरू कर रहे हैं तो हम भी यही शुरू करेंगे, वो मेक मनी ऑनलाइन ब्लॉगिंग के बारे में बता रहे हैं तो हम भी ब्लॉगिंग के बारे में बताएंगे भाई, तो ऐसे में आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो नहीं, तो ऐसे में आप जो है गलती कर रहे हो एक निश सिलेक्शन में एंड आपका ब्लॉग फेल होने वाला है। तो कभी भी ब्लॉगिंग करने जाएं तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि भाई हम किस फील्ड में यहाँ पे काम करें ताकि उसमें हमें रिजल्ट मिले, ठीक है। अब ऐसा फील्ड भी मत चूज कर लीजिए जिसमें इतना कॉम्पिटिशन है, बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई हैं, तो उस फील्ड में आप सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। ब्लॉगिंग में भी कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है एंड बहुत सारे लोग, देखो हर फील्ड में कॉम्पिटिशन है, लेकिन अगर देखा जाए तो ब्लॉगिंग में अभी भी कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना और फील्ड में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, दूसरा हमारा पॉइंट है रॉन्ग होस्टिंग। देखो, मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू किया था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैं वर्डप्रेस पे यहाँ पे बेसिकली, देखो मैंने ब्लॉगर से शुरू किया था एंड ब्लॉगर पे मुझे पता चला कि ब्लॉगर से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं और ब्लॉगर पे हम लंबे समय तक अपने वेबसाइट को नहीं ले जा सकते, तो फिर मुझे समझ में आया अब तो वर्डप्रेस पे जाना होगा। तो पहले मैंने टाइम वेस्ट किया ब्लॉगर पे, फिर जब वर्डप्रेस पे आना हुआ तो माइग्रेशन में मुझे दिक्कत हुई, बहुत सारा ट्रैफिक लॉस हो गया एंड यहाँ पे जब हम वर्डप्रेस पे आ गए तो उसमें भी हम होस्टिंग जो चूज किए थे वो गलत चूज कर लिए थे। अब देखो, होस्टिंग मैं आपको बता दूँ तो gopapa.com से मैंने होस्टिंग लिया था एंड सबको पता है कि ये कितना ख़राब होस्टिंग है gopapa.com, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा। तो कभी भी आप ऐसी जगह से होस्टिंग ना ले, हाँ आप वहाँ से डोमेन ले सकते हो, डोमेन काफ़ी अच्छा वहाँ पे रहता है एंड प्राइस भी काफ़ी अच्छा रहता है, तो डोमेन वहाँ से आप ले सकते हो। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप होस्टिंग अच्छा लेना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो वहाँ से आप जाके होस्टिंग ले सकते हो। बेसिकली देखो, जब से मैंने जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया वो होस्टिंग जब से यूज कर रहा हूँ तब से मैंने कोई भी होस्टिंग चेंज नहीं करी, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो गलत होस्टिंग कभी मत सिलेक्ट करना, नहीं तो आपकी साइट की स्पीड स्लो रहेगी, आपका साइट हमेशा डाउन रहेगा एंड कुछ ऐसे थीम्स एंड प्लगइन्स होते हैं जो उनके सर्वर्स हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जब gopapa.com जो थे उनके ऊपर जब मैं अपना न्यूज़पेपर थीम इंस्टॉल किया था तो साइट बार बार क्रैश कर जा रही थी, वो लोड ही नहीं ले पा रहा था, और कोई मैं थीम यूज करता था तो बिल्कुल वो प्रॉपरली वर्क करता था। तो इसीलिए बेसिकली हमें अच्छा एक सर्वर लेना ज़रूरी है, एक अच्छी होस्टिंग लेना ज़रूरी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसी। देखो, सब लोग ब्लॉग शुरू कर देते हैं और जब कंसिस्टेंसी की बारी आती है शुरू में, तो वो लोग 10 दिन बहुत अच्छे से काम करेंगे और 10 दिन के बाद फिर पोस्ट आना बंद, फिर कभी एक महीने बाद उठे फिर एक पोस्ट लिख दिए, फिर 2 महीने बाद एक पोस्ट लिख दिए, तो ऐसे में आपका ब्लॉग 100% फेल होगा, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा।
तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है डेली। आपको एज अ जॉब आपको आर्टिकल लिखना है अपनी वेबसाइट पे। आर्टिकल जब लिखोगे ना तो गूगल से आपको यहाँ पे ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी। गूगल देखेगा रेगुलर काम हो रहा है, इंडेक्सिंग फटाफट करेगा, ठीक है, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी आपकी वेबसाइट की, तो जिससे आपको रैंकिंग मिलने लगेगा। और ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे होती हैं, जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है एंड आपको रिजल्ट मिलता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है अभी के टाइम पे। देखो पहले क्या होता था ना, लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट भर देते थे, लेकिन कंटेंट आपको नहीं भरना है, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट कंसिस्टेंसी के साथ प्रोड्यूस करना है, पब्लिश करना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 है लर्न देन अर्न। लोग यहाँ पे ब्लॉगिंग शुरू तो कर देते हैं लेकिन वो लर्निंग नहीं लेना चाहते हैं, वो बस देख लिए कि हाँ भाई वेबसाइट ऐसे सेटअप करना है, एंड ना उन्हें SEO सीखना है, ना उन्हें बैकलिंक्स कैसे बनेगा ये सारी जानना है, ना उन्हें वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन करना सीखना है, मतलब बेसिक चीज़ें उन्हें सीखनी ही नहीं है। भाई पहले आप लर्निंग लोगे उसके बाद अर्न करोगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मैंने जब वर्डप्रेस पे मैं आया था ना तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, एंड मैंने यूट्यूब वीडियोस देख देख के, वेबसाइट पर विजिट कर करके सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने सीखी हैं वर्डप्रेस के बारे में। एंड यहाँ पे आप भी पहले सीखो, देन आप जब सीख लोगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ कर पाओगे ब्लॉगिंग में, ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अपने इस नीरज यादव यूट्यूब चैनल पे जाओ, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पे आपको पहले सीखना है, उसके बाद पैसे कमाने के बारे में सोचना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, पुअर कंटेंट क्वालिटी। जब भी कोई बिगिनर बंदा यहाँ पे ब्लॉगिंग करने आता है तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उसका जो कंटेंट है ना वो इतना पुअर क्वालिटी का है कि वो रैंक ही नहीं करेगा, ठीक है। वो रैंक नहीं करेगा क्योंकि उसे बस कंटेंट भर देना है अपनी वेबसाइट पे, उसे लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भर देंगे जल्दी जल्दी तो हमें ट्रैफिक मिलने लगेगा। ऐसा नहीं है, आप एक पोस्ट ही लिखो बेसिकली, लेकिन उसे अच्छे से लिखो, उसके अंदर प्रॉपर इमेजेस, ए हेडिंग्स वगैरह, सब हेडिंग्स वगैरह, एक अच्छे से टेबल्स वगैरह, बुलेट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें यूज करके उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब वीडियोज वगैरह एम्बेड करके आप देख सकते हो यार, मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो कैसे कंटेंट लिखा जाता है। एंड मेरे वेबसाइट के कंटेंट गूगल में रैंक भी होते हैं, मैंने टाइम टाइम पे आपको लोगों को दिखाया भी है, ठीक है। तो कंटेंट की क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। आपको यहाँ पे बेसिकली अपने कंटेंट को केवल ऐसे नहीं है गारबेज की तरह भर नहीं देना अपनी वेबसाइट पे, आपको क्वालिटी मेंटेन करना है, आपको सीखना होगा कि कैसे हम आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6, सोशल मीडिया प्रमोशन करिए। अब देखो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा टेलीग्राम है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबका, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। एंड वहाँ पे मैं अपने कंटेंट को प्रमोट करता हूँ। अब प्रमोट करने से क्या होता है, देखो अगर एक यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो अगर बना रहे हो अपने ब्लॉग के बारे में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रीच मिलती है यूट्यूब शॉर्ट्स पर, इंस्टाग्राम रील्स पर, तो जो हमें रीच मिलती है उससे हमारा प्रमोशन होता है, हमारे ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर होता है, लोग जानते हैं कि भाई bloggingskill.com नाम की एक वेबसाइट भी है। तो ऐसे में हमें प्रमोशन करना ज़रूरी है। आप फेसबुक पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, टेलीग्राम, जगह जगह पे आप ऑडियंस कलेक्ट करिए एंड अपने साइट को प्रमोट करिए। अगर ये मिस्टेक्स आप कर रहे हो ना, ये 6 मिस्टेक्स, तो आज ही सुधार लेना, फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।